कृपा नाम दे
Vaheguru, 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 Vaheguru,
ਕਰਤਾਰ ਨਿਰਭੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਬੰਦੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਸਚ ਦੁਬਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਮ ਕੋ ਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਬੰਦੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਸਚ ਦੁਬਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਮ ਕੋ ਸੀ ਵੀ ਸਚ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਬੰਦੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਸਚ ਦੁਬਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਬੰਦੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਸਚ ਦੁਬਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਬੰਦੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਸਚ ਦੁਬਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਬੰਦੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਸਚ ਦੁਬਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਬੰਦੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਬੰਦੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆਏ
सेवा करने जिसने हुक्म को पूज लिया कि सेवा है क्या, वो सेवा करने का ढंग क्या होता है? एक महापुरुष बाबा खुदा सिंह से बोलिए उनके जीवन की एक घटना है, अवस्था बन गई ये वाली, ये जो पंक्तियां गा रही पूज लिया अब कोई फर्क ही नहीं रहा, से बोलिए धन गुरु सब में वही दिखाई देता है। एक जगह से गुजर रहे हैं तो क्या एक झोपड़ी में से आवाज आ रही है किसी बूढ़ी माई के करा रही है, बोलिए धन गुरुनाथ धन गुरु वो दर्द से करा रही इधर चले गए साथ में कई शिष्य से बोलिए धन गुरुनाथ धन गुरुनाथ वो घृणा करने लगे इतनी गरीब की झोपड़ी में जा रही है बोलिए धन गुरुनाथ धन गुरुनाथ कहते कि आप क्यों जा रहे हो, कह के आपको चलना है तो चलो नहीं तो मुझे तो जाना है, आवाज आ रही है किसी रोने की इस कोई दुख है कोई दुखी है बोलिए धन गुरुनाथ धन गुरुनाथ कोई तकलीफ है। सेवादार मजबूरी में साथ में गए देखा तो बूढ़ी माई तड़प रही है दर से उसके पैर के अंगूठे में पस भरी हुई है बोलिए धन गुरुनाथ धन गुरुनाथ गरीब है रात का समय है कोई डॉक्टर से इलाज तो करा नहीं सकती वो पैसे भी नहीं होंगे लेने को जाकर डॉक्टर अकेली तड़प रहे हैं बोलिए धन गुरुनाथ तो खुदा सिंह जी ने अपने सेवादारों से कहा कि देखो कोई हकीम मिल जाए कोई डॉक्टर मिल जाए तो कहने लगे थे कि रात को कहाँ पर डॉक्टर मिल रहा है जहाँ से गुजर रहे हैं ये उजाड़ एरिया और यहाँ पर झोंपड़ी छोटी मोटी झोंपड़ी में ये बैठी है आस पास कहाँ पर कोई वैध हो सिर्फ को एक तरह से मना कर दिया बोलिए धन गुरुनाथ बाबा खुदा सिंह जी ने अपने हाथों से उसके पस निकाल दिया कि मैं निकाल देता हूँ किसी तरह से निकाल दिए तो बूढ़ी माई जोर से चिल्ला पड़ी फिर से बोले धन गुरुनाथ धन गुरुनाथ होता है ना पस भरी होना तो बहुत दर्द होता है चीसे पड़ती है सबको एक्सपीरियंस होगा ही मेरे एक तो बुढ़ापा और ऊपर से इतनी पस भरी जख्म उस वक्त बाबा खुदा सिंह जी ने जो किया वो सोच भी नहीं सकता। आपने ये भी नोट किया होगा जब पस भरी होती है तो जब थोड़ी सी पस भरी उसको जो होता है उंगली मुख में डाल दिया आराम मिलता है फिर से बोलिए धन गुरुनाथ उसे चूसते हैं तो आराम मिलता है गर्माहट मिलती है तो आराम मिलता है दर्द नहीं होता। बाबा खुदा सिंह जी ने अपने मुख से अंगूठे को चूस चूस के पस निकाला फिर से बोलिए धन गुरुनाथ से घृणा करने लगे कि महापुरुष क्या कर रहे हो पस निकालते रहे बूढ़ी माता नहीं चिल्लाई जाता थोड़ा सा दर्द वो अपने मुख से भर भर के पस निकालते रहे उसको अपने मुख से निकाली है आप इंसान कौन गुरु तो बाबा खुदा सिंह जी कह रहे तू नहीं समझेगी माता मैंने तेरी मेरा ठीक नहीं की मैंने उस गुरु नानक की सेवा की है फिर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक मैंने तेरी सेवा नहीं की है मैंने गुरु नानक की सेवा की है जो गुरु नानक तुझ में बैठा है ना उसने मुझे आवाज दी कि पस निकाल फिर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक ये अवस्था बन जाती है सेवक की जब कोई पुकार करता है तो उसे लगता है गुरु बुला रहा है आदमी नहीं दिखाई देता हमें अंत तक दुश्मन और मित्र दिखाई देते हैं क्योंकि हमने उनको तो पूछा नहीं फिर से बोलिए धन गुरु सानू अपनी सेवा विच लाओ मेरे गुरु नानक जी सेवा का हुक्म बुझा दो
حکم بجاؤ سیوا دا حکم بجاؤ گرو نانک جی میرے گرو نانک جی میرے گرو نانک جی